बिना हिकु ओदी सपो लिखा करे बाबा बाबा ले कुछ को वापस ना मान कुछ को कुछ मैं कानून आ कानून बाबा के वो बैंक टेंशन है और टेंशन है घर भेजा से यार निकल गई मंडी यार कबूल तो ठीक है भाई, आप इस्लाम कबूल करवाओ, बेशक करवाओ आपको, हमें अगर कोई मर्जी से करना, मर्जी से करना, लेकिन लड़कियां क्यों, लड़कियां अभी टीन एजेस में जिनकी एज ही नहीं होती, 12 साल 15 साल 14 साल 13 साल, अब 12 14 15 साल या कानून में राइट ही नहीं है उनको, 18 साल से पहले आप कुछ कोई भी स्टैंड नहीं ले सकते, ठीक है ना, लेकिन वो क्या हो जाता है, यानी एक दिन बच्ची उठ जाती है, दूसरे दिन यानी कि निकाह नामा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, तो मतलब आपकी मर्जी से, मतलब वो कानून में, मतलब ये 18 साल की है और इस हिसाब से, उसके बाद तो ऐसे समझो हमारे हाथ तो कट जाते ना, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन हिंदू इज अ नॉट अ रिलीजन, इट इज अ सोसाइटी, क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है, अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन। आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो अब ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं आपको, मैं ये बात मानता हूँ। ये बिल्कुल फोर्स कन्वर्सेशन जो है ना, वो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम इन केस कोई बंदा, मतलब कोई हमारी बच्ची वगैरह कोई उठा के जाता है, तो उसका कोई क्लेम ही नहीं करा, नहीं कोई FIR, नहीं कोई लाइन एंड ऑर्डर। वो आपका कसूर है, आप क्लेम क्यों नहीं करते, FIR क्यों? एक्चुअली आप कह रहे हो ना कि हम क्लेम, हम तो कोशिश करते ना, क्योंकि हम मिनोरिटी हैं और किसी के साथ ऐसे समझो गुंडागर्दी नहीं कर सकते, और मिनोरिटी मेरी नजर में शायद हो सकते हैं, पब्लिक की नजर में हो सकते हैं, कानून की नजर में तो कोई मिनोरिटी कोई मेजोरिटी नहीं है ना, कानून की कानून भी ऐसे समझो बस वो जो बड़े लोग हैं, मजबूत ताकतवर लोग हैं, उन्हीं का है। तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान के अंदर कोई मसला को मसाइल को मसला मसाइल बहुत है, यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है हिंदुओं के लिए। क्या बताएंगे क्या, यानी सेफ्टी किस हिसाब से नहीं, यहाँ पर आपको कोई धमकी देता है, धमकाता है? धमकाता कोई भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर क्या मसला है, ऐसे ही बस नीच समझते हैं, कभी कम समझते हैं हिंदुओं को, मुसलमान कम समझते हैं। जी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज चैनल। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बेंजीराबाद जिले का निवासी सोहाना शर्मा कुमारी, जिसका एज सिर्फ 14 साल और धर्म से हिंदू, आरोप है कि 2 जून को छात्रा का ट्यूटर और उसके कुछ साथियों ने जबरन उसे ले जाकर मुस्लिम युवक से शादी करा दी। मामले को लेकर लड़की के पिता ने पुलिस से संपर्क किया, हालांकि मामला अदालत में चला गया, लेकिन पाकिस्तानी अदालत ने लड़की को उसके माता पिता को लौटाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। अपहरण के 5 दिनों के बाद उसे बेंजीराबाद जिले के एक घर से छुड़ाया गया था। पुलिस ने लड़की को अपने हिरासत में ले लिया और शुक्रवार को लरकाना जिला अदालत में पेश किया। अदालत में अपने बयान में सोहाना ने कहा कि उसका अपहरण कर लिया गया और इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन वो अपने माता पिता के पास लौटना चाहता है। उस दिन जज ने अपने टिप्पणी में कहा था कि लड़की ने दावा में बयान दिया था, इसलिए सुनवाई 12 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई। साथ ही कोर्ट ने बच्ची को गाल सोम में भेजने का आदेश दिया। के कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में मिनोरिटी सेफ नहीं है, पाकिस्तान में अगर हिंदू कम्युनिटी की बात की जाए दिन ब दिन कम होती जा रही है, कम होने की वजह क्या है, माइग्रेट कर रहे हैं या कुछ और वजह? ये ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हर किसी का अपना जहन है। कम हो रही है कि नहीं? नहीं, कम तो हो रही है। तो फिर वो किधर जा रही है, ये तो एक सवाल है। तो इंडिया जा रही है। इंडिया जा रहे हैं? कुछ इंडिया जा रहे हैं, कुछ और यहाँ से ऊपर कराची जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यहाँ अमन नहीं है इतना खास, मतलब वो ये सैलाब वगैरह की वजह से, फ्लड की वजह से, या इसके अलावा? वजह से भी कुछ अमन खराब हुआ है। और पहले भी अमन खराब था। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये, एक तो जो ऊपर वाला हमारा सखर से आगे वहाँ बहुत मुस्लिम मतलब तो हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं। हाँ, ये इस पे भी आते हैं। मतलब ये है कि बहुत सी सोशल मीडिया पर ऐसी आए दिन आपके कुछ पेज भी बने हुए हैं जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई पोस्ट आती है कि किसी को मतलब कभी फोर्स कन्वर्शन हो गई, फोर्स मैरिज हो गई। यही मसला है, यही फोर्स कन्वर्शन का बहुत मसला चल रहा है, इस वजह से लोग डर कर चले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट किधर है? गवर्नमेंट काम नहीं कर रही? आपको कुछ इतना पता? मुझे तो पता है, मैं इसलिए जो मुझे पता है, आपको पता है गवर्नमेंट काम करती ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर रही है अब तक। क्या हुआ है? अच्छा,
कुछ भी नहीं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मसला था यही एक मसला है, एक तो भत्ता का मसला है, भत्ता ब्लैकमेलिंग का, हाँ, यही बहुत मसला। अगर आप थोड़ा सा हमें टाइम दें, थोड़ा सा विजिट भी करवाएंगे, साथ गपशप भी करेंगे हम, ये बताएं कि फोर्स कन्वर्शन सिर्फ इस मजहब चेंज करने के लिए होती है या इसके पीछे लॉजिक कुछ और होता है, मतलब मैं जानना चाहता हूँ। मजहब कन्वर्शन के हिसाब से होती है और प्लस में जो फोर्स कन्वर्शन होती है वो तकरीबन गर्ल्स की होती है। हाँ यही तो, अगर मजहब की हो, हाँ, मजहब की हो तो उसमें आप भी हो, कोई और भी हो, गर्ल्स भी वो जो 18 से नीचे होती हैं। ये वजह हाँ, क्या है वजह तो उनका नहीं नहीं थोड़ा बहुत देखें, मैं इस बारे में मैं नॉलेज नहीं रखता, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। आपकी आवाज़ अगर मेरे थ्रू कुछ लोगों तक पहुँच सके, अगर ह्यूमन राइट्स जो के बड़े अलमबदार हैं उन तक पहुँच सके, मैं इसलिए आया हूँ। वजह क्या, आप क्या वजह समझते हैं? अरे वो तो जबरदस्ती फोर्स कन्वर्शन हो रही है। फोर्स कन्वर्शन का मतलब ये है कि जबरदस्ती, लेकिन हाँ, उसके पीछे रीजन क्या होगी, मतलब जिस जो करवाते हैं उन क्या रीजन हो सकती है? बस वो आगे चल के उन लड़कियों को भेज देते हैं। ओ, पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं हुआ है कि वो लड़की अगर अदालत में कहेगी नहीं मैं वापस पेरेंट्स के पास जाती हूँ, फिर भी वो नहीं आती। बड़े केस ऐसे देखे हैं, आप इधर अगर मेरे साथ साथ, बड़े केस ऐसे देखे हैं जिसमें पहले वो खुद कहती है, लड़की कहती है कि मैं मजहब अपना चेंज कर रही हूँ, लेकिन फिर बाद में वो ये भी कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती हूँ। बाद में कुछ केस ऐसे भी आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि मेरे से ज़बरदस्ती कन्वर्शन करवाया जा रहा है। हमारा इस्लाम जो है ना वो एक ज़ात हयात है, वो हमें एक ज़िंदगी देता है और हमें एक कल्चर उसने हमें दी है, उसके मुताबिक हमने जाना है। लेकिन हिंदू इज़ अ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ सोसाइटी, क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन। आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो अब ये तो हिंदू मज़हब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं आपको मैं ये बात मानता हूँ, जिस वक्त मुसलमानों ने यहाँ पे इन्वेड किया, मुसलमान यहाँ पे आए, मुसलमानों की रवादारी को, मुसलमानों की अच्छाई को, मुसलमानों ने जिस तरह यहाँ पे रहन सहन किया, बर्ताव किया, तो उसको देख के हम मुसलमान हुए ना। क्यों मुसलमान हुए? इसी वजह से मुसलमान हुए ना कि हम लोग जो थे, हमारे जो आबाऊ अजदाद थे, जो हमारे यहाँ पे लोग आए थे, मोहम्मद बिन कासिम आया है, फिर उसके बाद अब महमूद गजनवी को ये कहते हैं कि जी ये वो है, मिसाल के तौर पर इसको कह सकते हैं लुटेरा है। अच्छा। हालांकि जबकि महमूद गजनवी का अगर आप सही हिस्ट्री पढ़ें तो उसकी हिस्ट्री डिफरेंट है। देखें किसी भी मज़हब में आज़ादी देना, किसी भी कोई भी मज़हब हो वो मज़हबी आज़ादी देते हैं, लेकिन हिंदुइज़्म में ये प्रॉब्लम है कि वो इतनी आज़ादी नहीं देते, वो दे डोंट लाइक अस। देखें अगर आप जितनी भी हिस्ट्री उठा लें, मुसलमानों की हिस्ट्री उठा लें, जितने भी मुसलमानों सुपेसलार थे, फातिहीन थे, क्रिश्चियनिटी हो या हिंदुइज़्म हो, जिस भी मुल्क में जाएँ उन्होंने फ़तेह किया, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा बर्ताव किया है, उनकी जान व माल, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत की है। तो ये आप हिस्ट्री में देख लें किसने किया है ऐसा काम। जे देखें आप मोहम्मद बिन कासिम आया है, अलाउद्दीन खिलजी आया, तकरीबन 1300-350 साल मुगलों ने हुकूमत की है, अकबर बादशाह ने शादियां की है हिंदू से, उसका वजीर जो था वो बीरबल जो था वो भी हिंदू था। तो मुसलमानों ने तो हमेशा रवादारी का सलूक किया है, हिंदुओं ने वो सलूक नहीं रखा जो उनको रखना चाहिए था।